नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे और आपके सभी कार्य सफल हो, यही कामना करती हूँ। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सफला अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य का हर कार्य सफल होता है। यदि मनुष्य के किसी काम में रुकावट आ रही हो तो उसे सफला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं। इसीलिए इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं तो सिर्फ इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत धारण करने से जीवन सफल हो जाता है। इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए और विश्वास कीजिए, बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। आज की वीडियो में हम सफला एकादशी के बारे में जानेंगे। सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपको आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए और व्रत कथा संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर सुनिएगा और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत धारण करना है। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:41 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर। तो जानते हैं कि व्रत हमें कब धारण करना है। सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 जनवरी 2024 को, इसीलिए 7 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51 पर। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन 6 जनवरी 2024 को करना है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन, शाग, टमाटर यह सब चीजें भी नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि की संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न और नमक दोनों चीजें नहीं खा सकते, यानी कि आपको भोजन नहीं करना है। अगर आप कुछ खाना ही चाहते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर आसपास कोई नदी नहीं है तो अपने घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान कर सकते हैं। शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिए,
अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। संकल्प लेने के बाद आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार ऋतु फल जो आपके पास उपलब्ध हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। और हाँ, जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं तो एक दिन पहले से तुलसी के पत्ते तोड़कर आप अपने पास रख लीजिए, ताकि एकादशी के दिन उसी का प्रयोग आप पूजा में कर सकें। पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आप उनकी आरती कर लीजिए। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते रहिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। आप चाहें तो निर्जल भी यह व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है। शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं उसी समय एक दीपक जला लीजिए जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। दीपक में इतना पर्याप्त मात्रा में घी डाल दीजिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद दान की सामग्री निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इसके बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय रहेगा 8 जनवरी 2024 को प्रातः काल 12:46 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी की ही देर रात्रि में 11:58 पर। तो सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 8 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक रहेगा। एकादशी का व्रत करने वाले को पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए व्रत करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज करता था। उसके चार पुत्र थे। चारों बेटों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक महापापी था। वह सदा ही पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह पूरे दिन मांस मदिरा का सेवन करता रहता था और वैश्यवृत्ति में सारा दिन गुजार देता था। जुआ खेलना, वैश्यवृत्ति, ब्राह्मणों का अपमान करना और देवताओं की निंदा करना उसके लिए सामान्य सी बात थी। आखिरकार एक दिन राजा महिष्मान ने अपने पुत्र के इस बुरे व्यवहार से तंग आकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा के डर के कारण उसका कोई भी मित्र या स्नेही उसे नहीं बचा पाया और वह जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। नगर से बाहर निकाले जाने पर भी लुम्भक के स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उसने रात्रि के समय नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। कई बार रात में लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, लेकिन राजा के भय के कारण उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। कुछ समय बीत जाने के बाद सफला एकादशी से एक दिन पहले दशमी की रात वह ठंड से कांपने लगा, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आई और अपने बुरे कर्मों पर पछतावा होने लगा। इस प्रकार दशमी के दिन अनजाने में ही उसने जागरण कर लिया। एकादशी की सुबह ठंड के प्रकोप से वह मूर्छित हो गया। पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हुआ। किसी तरह हिम्मत करके उसने बगीचे से फल एकत्रित कर लिए और अपने कर्मों पर पछतावा करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने लग गया। अनजाने में लुम्भक का सफला एकादशी का व्रत संपन्न हो गया और उसको पापों से मुक्ति मिल गई।
यह थे आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, आपका मंगल हो।